हेलो डियर स्टूडेंट, वही खाता में लेता है। तो सब्जेक्ट क्या है? वही खाता, वही खाता में लेता है। मैंने आपको संपत्तियां बताई थी, मैंने आपको संपत्ति क्या क्या होती है, संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या होता है। सेकंड में आपको दायित्व बताया कि दायित्व आपकी क्या है, इसके बारे में ये संपत्ति और दायित्व पूरे वही खाते में लेखाकार होने बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत काम में आते हैं। आपको इसकी कहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है उसका मैं फॉर्मेट आपको बताता हूँ, ठीक। और फॉर्मेट की बात करेंगे आपको क्या बनाना है, मान लीजिए चिट्ठा बनाना है, क्या बनाना है चिट्ठा, ये आपके डेबिट साइड होती है, इस साइड आप क्या करोगे इसको मार्केट में ले लेते हैं, डेबिट साइड होती है या फिर क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड हमेशा आपको दायित्व शो करना है, क्या शो करना है दायित्व, तो यहाँ पर आपको राशि कितना देती है, अमाउंट जैसे बोलती है कितनी राशि आपको मिलती, यहाँ पर आपको क्या लेना देना है संपत्ति, आपको संपत्ति शो करना देती है, और यहाँ पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आपके उल्टे हाथ तरफ आपको दायित्व लिखना है, सीधे हाथ तरफ आपको संपत्ति लिखना है, राइट हैंड साइड संपत्ति और लेफ्ट हैंड साइड दायित्व। संपत्ति और चिट्ठे के बारे में आपको बताया, फर्स्ट में आपकी मांगी संपत्ति है और सेकंड आपको क्या है दायित्व। संपत्ति की जितनी भी मदद होती है मैंने आपको बताई कि संपत्ति में आपको क्या क्या लेना है, संपत्ति में सबसे पहले मैंने बोला था रोकड़ हाथ में, रोकड़ हाथ में मैंने आपको लिखवाया था कि आपके हाथ में क्या होगा, पैसा है आपके पास में रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, रोकड़ में से लिखे रोकड़ बैंक में, और संपत्ति में क्या है देनदार है जैसे देनदार आपका ज्ञाति, ये भी आपकी संपत्ति हो गई, भवन ये भी आपकी संपत्ति हो गई, भूमि ये भी आपकी संपत्ति हो गई, और आपके लिए ये भी आपकी संपत्ति हो गई, अंतिम स्टॉक ये भी आपकी संपत्ति हो गई, बहुत सारे आइटम से पहले भी आते हैं ये होगी संपत्ति। अब रोकड़ हाथ में कितने पैसे आपके अमाउंट राशि मान लो 1000 आपने या 1000 रुपये, ठीक है, रोकड़ हाथ में आपके पास कितने मान लो 2000 रुपये, 2000 रुपये सौ रुपये जितनी भी आपने इनके सामने आपको सौ कर दिया ये संपत्ति साइड है। अब मैंने दायित्व में आपको लिखवा जैसे दायित्व में होगा आपकी पूंजी, सबसे पहले क्या होती है पूंजी आपकी दायित्व, दायित्व आपकी पूंजी होती है, जो भी सौ करना चाहो 5000 रुपये आपको पूंजी मांगे, उसके बाद आपके पास लेना है लेनदार है आपके पास में जो भी हो 1000 रुपये लेनदार है आपके पास में, बैंक अधिकार से बैंक अधिकार जो भी राशि हो आपके पास बैंक अधिकार से होगा उसके दस्त, उसके बाद मान लीजिए आपके पास में अदर्त वे आपके यहाँ कोई से पे किए जो अदर्त वे के लाते हैं, मैंने अदर्त वे के बारे में आपको बोला था
कि वेतन, किराया, वेतन किराया मजदूरी या क्या होते आदतौलिक श्रेणी में मजदूरी या आदतौलिक अंतर्गत आते हैं अपने वेतन किराया मजदूरी उसकी जो भी राशि होगी अपने लास्ट में वो ये चिट्ठा कब बनाया जाता है मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2020 से अपना खाता बनाना स्टार्ट आपने अपनी स्टार्ट आपका एक वर्ष का बनता है 31 दिसंबर 2020 से कि हमेशा अंतिम में बनाया जाए 31 दिसंबर का बनाया जाता है आप साल भर तक क्या क्या लेन देन कर रहे हो क्या क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो क्या क्या लेन देन कर रहे हो लास्ट में बनाया जाता है तब का 31 दिसंबर चिट्ठा कब बनाया जाता है 31 दिसंबर मानी डेट डाली 31 दिसंबर 2020 का 31 दिसंबर 2020 ये संपत्ति और दायित्व में तो आपको बताया था कि आपको उसको लर्न करना पड़ना है किस कहाँ पर काम आती जब आप बैलेंस शीट लास्ट में बनाते हो आपका जो व्यापार बिजनेस से थे बैलेंस शीट जब लास्ट में बनाते हो वहाँ पर ये चिट्ठा आपके काम में आता देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपके जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है जो मैं पढ़ा रहा था आपको कहना कठिन उस पर थ्योरी है आपको थ्योरी देखना है ना पूरी थ्योरी है कहीं पर आपको डाउट से आपको थ्योरी से पढ़ना है कहीं पर आपको डाउट से तो आप मुझे पूछ लीजिएगा सेकंड चैप्टर में भी आपकी थ्योरी है सेकंड चैप्टर भी देख लेना और थर्ड चैप्टर आपको एक न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर है ना एक या दो जितने भी क्वेश्चन हो जाए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से करना है ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए देखना है चैप्टर का नाम है आपका थ्री चैप्टर है अध्यात्म ऐसा बोलते हैं वैसाई लेन देन वैसाई लेन देन का चैप्टर का नाम वैसाई लेन देन थ्री चैप्टर में वैसा ही इसका उदाहरण मैं ये बता रहा हूँ आपको उदाहरण पेज नंबर देख लेना 303.16 का होगा आपके अकाउंट में देख लेना न्यू अकाउंट होगा थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन यही रहेगा यहाँ पर एग्जांपल वन देखते हैं उसके पहले मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ कि इस सूत्र से सारे क्वेश्चन आपको सोल्व होते हैं फर्स्ट सूत्र सूत्र दिया कुल संपत्ति या संपत्ति कुल संपत्ति बराबर कुल संपत्ति बराबर पूंजी कुल संपत्ति बराबर पूंजी प्लस बैंक कुल संपत्ति बराबर पूंजी प्लस बैंक ये आपका सूत्र है अब एग्जाम्पल नंबर वन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन में आपको कहा गया है कि व्यवसाय एक बिजनेस से जो व्यापार है उसकी पूंजी आपको दे रखी है 20,000 रुपये व्यवसाय की जो पूंजी है वो आपको दे रखी है 20,000 रुपये और आपके दायित्व है वो 30,000 रुपये आपको क्या ज्ञात करना है आपको टोटल असेट्स मतलब कुल संपत्ति ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कुल संपत्ति ज्ञात करना है अब आपको देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पर पूंजी भी दे रखी दायित्व भी दे रखा और आपको क्वेश्चन कहा गया है जब कुल संपत्ति ज्ञात करना आपकी पूंजी आपको क्वेश्चन में दे रखी है आपको 20,000 रुपये दे रखी है आपकी पूंजी और दायित्व आपके दे रखे हैं 30,000 आपको कुल पूंजी ज्ञात करना है ठीक यहाँ लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुल आपको कुल संपत्ति को ज्ञात करना है तो कुल संपत्ति बराबर
पूंजी, पूंजी कितनी देर की आपको क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में पूंजी आपको दे रखी स्पष्ट कहा गया 20 है, कि पूंजी यहाँ पर दे रखी है 20 है, प्लस आपके दायित्व दे रखे आपको 30,000 रुपये क्वेश्चन के अंदर, आपके दायित्व 20,000 आपको क्या क्या करना है, कुल संपत्ति क्या करना है, कुल संपत्ति बराबर कुल संपत्ति बराबर 20,000 प्लस 30,000 दोनों पूंजी प्लस दायित्व इसको जोड़ देंगे तो आपकी कुल संपत्ति है 50,000, आपकी कुल संपत्ति कितनी होगी 50,000। क्या ज्ञात करना था आपको, कुल संपत्ति ज्ञात करना था, कुल संपत्ति आपने ज्ञात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल दो, यहां पर आपको दे रखा है एग्जाम्पल दो में आपको आपके पास देखिए एग्जाम्पल दो में कुल संपत्ति आपको दे, कुल संपत्ति व्यापार की कुल संपत्ति दे रखी है आपको 2,60,000 रुपये और उसकी जो वर्थ दे रखी है आपको 1,60,000 रुपये। तो आपको क्रेडिटर्स नेट वर्थ दे रखी है, उसकी कैपिटल दे रखी, सीधी सी बात आपको देखिए यहाँ पर टोटल एसेट्स आपकी बिजनेस की जो व्यापार की जो स्थिति थी उसके 2,60,000 रुपये है, आपके पास संपत्ति कुल संपत्ति आपकी 2,00,000 रुपये, 2,60,000 रुपये और आपको पूंजी दे रखी 1,60,000 रुपये। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्रेडिटर्स ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है क्रेडिटर्स, लेनदारों की गणना, लेनदार की गणना ऐसा लिख सकते हैं। हाल लिखा जिसे पहले क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया, वहाँ पर क्या ज्ञात करना था, संपत्ति ज्ञात करना था, कुल संपत्ति, वहाँ पर आपको लिखना था कुल संपत्ति की कुल संपत्ति की ऐसा लिखना था ऊपर रेडी में डाल दिया नंबर कुल संपत्ति की गणना। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, लेनदार ज्ञात करना है, ये भी डालेंगे लेनदार की गणना, किसकी गणना कर रहे हैं आपको लेनदार, यानी कि लेनदार लेनदार की गणना, किसकी गणना करना है लेनदार की, ठीक है। वही फार्मूला वही सूत्र मैंने बताया क्या, कुल संपत्ति सूत्र लिख दिया, कुल संपत्ति बराबर पूंजी प्लस कुल दायित्व, क्या दायित्व, दायित्व सारी दायित्व जितने आपके दायित्व सारे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आपकी कुल संपत्ति आपको दे रखी है 2,60,000 रुपये आपको संपत्ति दे रखी है, आपको यहाँ कुल संपत्ति कितने सौ करना है 2,60,000 रुपये आपकी होगी कुल संपत्ति बराबर पूंजी दे रखी है आपको 1,60,000 रुपये, पूंजी भी पूंजी भी 1,60,000 प्लस दायित्व, दायित्व भी क्या याद करना मुझे लेनदार की गणना करना, और मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसीलिए मैंने पहले आपको संपत्ति और दायित्व बताया था, क्या बताया दायित्व, और दायित्व भी क्या आता है लेनदार दायित्व नहीं आता, पर आपको दायित्व लिस्ट देखो जो मैंने आपको लिखवाई है तो वहाँ दायित्व भी आता है लेनदार, मतलब दायित्व मतलब लेनदार आपको क्या आता है सीधी सी बात, यानी कि मैं दायित्व में लेनदार जो आपको क्या आता है, ठीक है। अब 2,60,000 बराबर कितने 1,60,000 माइनस 1,60,000 रुपये हो जाएगा 1,60,000 रुपये बराबर क्या बचा लेनदार जो आपको क्या आता है लेनदार, 2,60,000 रुपये से हमने देखिए 1,60,000 माइनस कर दिया और एक बार ये क्या हो गया आपके लेनदार, आप इसको ऐसा लिख सकते लेनदार बराबर, लेनदार बराबर 1,00,000, लेनदार बराबर 1,00,000 आपका आंसर। इस टाइप से आपको जो भी कहा जाए क्वेश्चन पहले उदाहरण नंबर एक में संपत्ति की गणना करना था, आपने लिखा संपत्ति की गणना, उदाहरण नंबर दो में लेनदार की गणना करना बोला गया तो आपने फिर लेनदार की गणना, और इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना।
ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर वन आपको किसकी कर क्वेश्चन नंबर वन में आपको कैपिटल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कैपिटल मतलब पूंजी ज्ञात करना है। आपको किसकी गणना करना है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर वन में पूंजी की गणना करना है। क्वेश्चन नंबर वन का हम लोग हल लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर जिसकी भी गणना करना आपको लिखेंगे पूंजी की गणना। जो भी ज्ञात करना हो उसकी हेडिंग आपको डालना है। अगर आपको संपत्ति ज्ञात करना हो संपत्ति की गणना करना है, लेनदार बनना तो लेनदार की, पूंजी हो तो पूंजी की। क्वेश्चन में आपको कुल संपत्ति दे रखी है आपके पास में 150,000, ये आपकी कुल संपत्ति हो गई। और फिर नीचे आपको दे रखे हैं लेनदार, माल के लिए लेनदार। ये लेनदारों ने क्या किया, कुछ माल खरीदा है। कितने का खरीदा हुआ यहाँ पर? 50,000। 50,000 का उन्होंने क्या खरीदा है, सॉरी 90,000 रुपये का माल खरीदा हुआ है। और लेनदारों ने वे भी किए 15,000 रुपये की। यहाँ पर फार्मूला मैंने वही बताया पूंजी की गणना लिख दिया। आपके पास सूत्र में क्या है, पहले सूत्र लगा दीजिए, कुल संपत्ति पूंजी की गणना जो ज्ञात करना आपको उसको लिखना है आपको पूंजी की गणना। कुल संपत्ति बराबर आपको सूत्र क्या है, कुल संपत्ति बराबर पूंजी प्लस बैंक, कुल पूंजी या कुल ठीक पूंजी की गणना। आपकी कुल संपत्ति आपको दे रखी है 150,000, यहाँ लिखेंगे 150,000 रुपये की आपकी कुल संपत्ति बराबर पूंजी आपको क्या करना है, पूंजी वैसे भी से पूंजी से होगा पूंजी प्लस आपके पास दायित्व में लेनदार दो तरह के होगा। लेनदार हमेशा दाएं में आते हैं, दायित्व में आते हैं। और लेनदारों ने क्या किया है, माल भी खरीदा हुआ है 90,000 रुपये का और 15,000 रुपये वे भी किए। तो लेनदारों ने क्या किया यहाँ पर, 90,000 रुपये का तो माल खरीदा, 90,000 रुपये उसके पास से माल खरीदने के चले गए, बचे कितने उसके पास, सॉरी 90,000 रुपये माल खरीदने में उसने दे दिए और 15,000 रुपये को उसने उन्होंने वे कर दिए, खर्चे कर दिए। तो टोटल होगा प्लस 15,000, क्योंकि उन्होंने टोटल कितना खर्चा करा, प्लस 15,000। यहाँ पर आपके पास कुल संपत्ति 150,000 रुपये बराबर में पूंजी आपको ज्ञात करना है, पूंजी प्लस 90,000 रुपये को माल खरीद लिया और 15,000 रुपये खर्चे वे कर दिए, मतलब 1,05,000 रुपये टोटल लेनदारों के खर्चे कर दिए। 1,05,000 रुपये का सामान खरीदा हो गया, 90,000 1,50,000 माइनस बराबर दिखा 1,05,000 लाओगे माइनस दिखा 1,05,000 रुपये पूंजी बराबर पूंजी बची है आपके पास में। यहाँ पर 1,50,000 माइनस 1,05,000, 1,50,000 से आप 1,05,000 माइनस करोगे घटाओगे आपके पास कितनी बन जाएगी 48,000। ये आपकी क्या हो गई पूंजी, पूंजी बराबर पूंजी बराबर 48,000। इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू, जो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर टू, ये आपके लिए होमवर्क इंडिया होमवर्क चैप्टर वैसे ही देने वाला चैप्टर अध्याय चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क है, मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन। आपके पास आपको कुल संपत्ति जो व्यापार की कुल संपत्ति है वो दे रखी है आपको 1,30,000 रुपये। व्यापार ये तो आपकी कुल संपत्ति हो गई, व्यापार की कुल संपत्ति आपके पास 1,30,000 रुपये। तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, सूत्र लगाना है और तो उसको देखना है व्यापार की कुल संपत्ति कितनी है।